हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका पबजी मोबाइल ग्लोबल का आईडी जीमेल से क्रिएट किया आपने, तो आप उसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो BGMI के अंदर, यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करो। एंड हाँ गाइस, इस वीडियो को शेयर भी कर दो उन दोस्तों के साथ जिनका पबजी मोबाइल का ग्लोबल का आईडी जीमेल से क्रिएट है। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि आपका सिर्फ यहाँ पे जीमेल कनेक्टेड, यानी कि गूगल प्ले कनेक्टेड, यहाँ पे आपको कोई भी फेसबुक या फिर ट्विटर वगैरह कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपका बहुत ही काम जो वो ईजी हो गया। लेकिन अगर आपका पे प्लस का आइकन नहीं दिखा रहा, कोई भी ऑप्शन आपको नहीं बता रहा है अनदर सोशल मीडिया अकाउंट लिंक करने का, तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, आपको क्या सिंपल से कोई भी वीपन आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए और किसी भी सर्वर से यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल का मुझे अभी यहाँ पे नहीं बता रहा था, मैंने एक अलग से सर्वर कनेक्ट किया था टर्बो वीपन के थ्रू, वहाँ पे मैंने USA से कनेक्ट कर लिया था, तो अभी गाइस मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपका यहाँ पे वीपन कनेक्ट करने के बाद भी नहीं बता रहा, तो गाइस यहाँ पे आप 2-3 बार लॉगआउट लॉग इन करिए, ठीक है। तो गाइस तब आपको यहाँ पे ऑप्शन 101% आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड गाइस याद रखिए, अगर आपको यहाँ पे स्टिल कुछ भी प्रॉब्लम आता है किसी भी रिगार्डिंग, तो गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे आप गाइस इंस्टा पे DM कर दीजिए, मैं गाइस आपको वहाँ पे आपका ट्राई करूँगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने का, या फिर आपको मैन्युअली वहाँ पे भी सॉल्व कर दो, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पर मेरा भाई प्लस का आइकॉन आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे गाइस कोई भी VPN वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी गाइस सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे डमी फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है या फिर एक डमी ट्विटर अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपका एक ऑफिशियल ओरिजिनल कोई फेसबुक या फिर ट्विटर अकाउंट है, आप वहाँ पे आपका लिंक कर सकते हो। फिलहाल मेरे केस में मेरा एक ट्विटर का ऑफिशियल अकाउंट है, जो कि मैंने BGMI से कनेक्ट कर लिया, और आप एक जीमेल भी कनेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मेरा फेसबुक का अकाउंट थी मोबाइल ग्लोबल का, मैंने अलग अकाउंट क्रिएट किया। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं एक डमी फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ क्रोम के थ्रू। आप चाहो तो जो ऑफिशियल APK है फेसबुक का, आप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। और भाई लोग, ये ब्लैंक स्क्रीन हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि अगर हम क्रोम के इनकॉग्निटो मोड में रिकॉर्ड करते तो सब कुछ ब्लैंक वगैरह जो हो जाता है, तो मुझे पहले नहीं पता था, तो उसके लिए सॉरी। आप अगर आपको नहीं पता फेसबुक अकाउंट क्रिएट कैसे करते, तो आप नॉर्मल यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं फटाफट से मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ फेसबुक को, एंड आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। ओके सो गाइस, अभी यहाँ पर जो है मेरा फेसबुक का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। एंड गाइस याद रखिए, आपको यहाँ पे 60 मिनट तक वेट करना है जब आप फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 60 मिनट तक वेट करना है अगर आपको उसको लिंक करना है आपके पबजी मोबाइल के ऑफिशियल अकाउंट से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे सिंपली डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सब कुछ ये डिटेल वगैरह जो मेरे डाल देता हूँ, एंड आपको आगे दिखाता हूँ क्या होता है। सो गाइस, अभी यहाँ पर मैंने सब कुछ मेरे नेम वगैरह डाल दिया, अभी आपको सिंपली यहाँ पे मैं आगे जाने के लिए कंटिन्यू करता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए गाइस, अभी यहाँ पे मुझे बोल रहा है अभी ये आप इसको ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मेरा ये बाय डिफॉल्ट आई गेस मराठी में है, तो आपको गाइस यहाँ पे 60 मिनट तक वेट करना है। 60 मिनट के बाद गाइस आपका जो फेसबुक अकाउंट है आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर का कितना टाइम है उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं फिलहाल, लेकिन फेसबुक का 60 मिनट है। अभी यहाँ पे मैं गाइस 60 मिनट के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। ओके सो गाइस, अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, 60 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं हमारा जो फेसबुक अकाउंट है, जो हमने डमी फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था, उसे कनेक्ट करने का। तो अभी फटाफट से मैं ये डिटेल वगैरह डाल देता हूँ। सो डिटेल वगैरह डालने के बाद मुझे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे मैं सिंपली कंटिन्यू के ऊपर मैं टैप करता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस अभी 60 मिनट कंप्लीट हो चुके, तो मेरे यहाँ पे गाइस इजीली फेसबुक अकाउंट लिंक हो जाना चाहिए मेरे पबजी मोबाइल ग्लोबल के अकाउंट से। अभी यहाँ पे मुझे बोल रहा है अभी फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो। तो गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो सेकंड अकाउंट था पबजी मोबाइल ग्लोबल का, भी उससे यहाँ पे फेसबुक कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर गाइस हम चलते हैं फटाफट से BGMI के अंदर। अभी यहाँ पे मेरा जो मेन आईडी होगा शायद से वो लॉगिन है, सबसे उसको लॉगआउट करते हैं, एंड फिर बाद में गाइस मुझे यहाँ पे आपको बताना आगे क्या होता है। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फटाफट से वीडियो पे थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो अभी इसे लॉगआउट करते हैं, एंड फेसबुक के थ्रू हमारा जो सेकंड आईडी उसे हम लॉगिन करते हैं। तो ओके गाइस, अभी यहाँ पर मैंने सब कुछ पासवर्ड वगैरह डाल के अभी हमने कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया था। अभी यहाँ पे सिंपली मुझे यहाँ पे एक नया आईडी क्रिएट करने को बोल रहा है। दिक्कत की कोई बात नहीं गाइस, हर एक किसी को बोलता है अभी यहाँ पे नया आईडी क्रिएट करने का, तो आपको यहाँ पे रैंडमली कुछ भी नाम डाल के आपको एक नया आईडी क्रिएट कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे भाई पूछ रहा है भाई अकाउंट डाटा ट्रांसफर के रिलेटेड, ये जो ऐप है सिर्फ इंडिया वालों के लिए बना, तो सिंपली मैं इसे यस कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे बोल रहा भाई डाटा ट्रांसफर करने का, अभी इसको मैं नो करता हूँ। अगर आपका बाई चांस भाई कुछ गलती वगैरह हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। अभी ये गेम प्ले मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर अभी आपका एज 18 से कम है तो इसको नो कर दीजिए, अगर 18 से ऊपर है तो इसे यस कर दीजिए, ठीक है। अगर गाइस आप बाय चांस अकाउंट डाटा ट्रांसफर को आप कैंसिल कर देते हो, मतलब नो कर देते हो, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। डोंट वरी, आपको यहाँ पे सिंपल से जाना है सेटिंग के अंदर, एरो दिख रहा है आपको, उसके ऊपर टैप करिए, फिर सेटिंग में जाइए, फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा अकाउंट
ट्रांसफर का ऑप्शन है। आपको सिंपली अभी ट्रांसफर के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे अगर आपको सिंपली कुछ नोटिस वगैरह शो करेंगे अकाउंट डाटा ट्रांसफर के रिगार्डिंग, आपको सिंपली यस करना है। और आपने गाइस जो भी सोशल मीडिया कनेक्ट किया था, ट्विटर या फिर फेसबुक, उसके ऊपर आपको टैप करना है। पे मैंने फेसबुक किया था, अभी फेसबुक के ऊपर मैं टैप करता हूँ, ओके दबाता हूँ एंड यहाँ पे गाइस आपको जो डिटेल वगैरह है आपकी पर्सनल आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेरी डिटेल वगैरह वो डाल देता हूँ। यहाँ पर मेरे सब कुछ डिटेल होगा मैंने डाल दिया, अभी सिंपली उसको लॉगिन के ऊपर मैं टैप करता हूँ एंड यहाँ पे कैश अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो यहाँ पे कैश मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा लॉगिन मतलब डाटा ट्रांसफर जो वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी भाई मुझे ये बोल रहा है प्लीज़ अगर अभी मैं यस करता हूँ तो मेरा जो डाटा है वो ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सिंपली यस के ऊपर मैं टैप करता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा इजीली यहाँ पे गैस मेरा डाटा ट्रांसफर का प्रोसीजर है वो अभी वो स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे गैस टाइम हुआ है 7:19, ठीक है 9:20 हो रहा है PM। तो अभी गैस मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पे 5 मिनट बाद अभी फिर से मैं गेम लॉगिन करता हूँ और मेरा का जो डाटा था पबजी मोबाइल ग्लोबल का वो यहाँ पे मेरा BGMI ट्रांसफर हो जाएगा जो मेरा सेकंड ID का है। तो गैस अभी यहाँ पर मैं 5 मिनट थोड़ा वेट करता हूँ। सो ओके गाइस, अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 मिनट से यहाँ पे ज़्यादा मैंने वेट कर लिया। अभी यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का, देखते हैं हमारा पे लॉगिन होता है फिर नहीं होता है। यहाँ पे मैंने सिंपली पे लॉगिन विद फेसबुक पर मैंने टैप किया है, यहाँ पे लोडिंग वगैरह ले रहा, देखते क्या होता है क्या सीन होता है। ओके सो गाइस, अभी यहाँ पर भाई मुझे कुछ लॉगिन करने का ऑप्शन तो नहीं आया था। अभी यहाँ पर मुझे फिर से बोल रहा अभी 18 ईयर से ऊपर, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। एंड गाइस जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डाटा है जो अभी ट्रांसफर हो चुका है एज इट इज़, जो मेरा डाटा था वो ट्रांसफर हो चुका है। बस यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड थे अभी वो उड़ चुके हैं, जो मेरी पॉपुलरिटी है वो भी चली गई एंड मेरा जो क्लैन है वो भी चले गया। ठीक है, लेकिन गाइस जो मेरा आईडी है वो अभी फिलहाल मुझे जैसा का तैसा वो जो मिल गया। ठीक है, सो गाइस यार सेम यही तरीका है, आप आपका जो गूगल प्ले का आईडी आप ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी एक सोशल मीडिया को कनेक्ट करो और आपका आईडी ट्रांसफर कर दो। ठीक है, सो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय। एंड गाइस यार भाई प्रूफ देख के जाओ भी किसी बंदे को लगेगा भाई क्लिक बेट वगैरह, आप यहाँ पे देख सकते हो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अभी यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है मेरा आईडी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।